हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो जैसा प्रीवियस वीडियो में हमारा ऑडिट का इम्पोर्टेंट मैच किया, टैक्स में मैंने आपको बहुत सिंपल कहा था 19, 20, 21 कर लीजिएगा और आपको कई सम्स मैच हुए। कई सम्स तो मैंने क्लास में करवाए और वो एग्जैक्टली सेम आ गए। सो ओके, अब क्योंकि कई बच्चों का मैसेज आ रहा था कि सर कॉर्पोरेट का, इको का, मैथ्स का, सर सबका वीडियो आएगा, थोड़ा समय दीजिए, राइट। तो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। इसको हम लोग 2-3 पार्ट में हो सकता है अपलोड करेंगे, ठीक है। चैप्टर क्योंकि बहुत ज्यादा है, कंटेंट बहुत ज्यादा है, टाइम काफी लगेगा, तो वो उसको हम लोग 2-3-4 जो भी पार्ट होगा उसमें हम लोग अपलोड करेंगे, राइट। सो स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का एक कंसेप्ट आप समझ लीजिए कि एग्जैक्ट सम्स मैच कराना इज वेरी टफ, ठीक है। 80 मार्क्स के पेपर में मैं इतना कह सकता हूं कि 30 मार्क्स का, 40 मार्क्स का, 40 मार्क्स तक का सम्स एग्जैक्ट मैच कर जाएगा और 40 मार्क्स का सम्स कंसेप्चुअल मैच करेगा। अब कंसेप्चुअल मैच करेगा मतलब जो कंसेप्ट आपने सीखा उसी कंसेप्ट में सम्स थोड़ा सा इधर उधर कर सकता है, तो आपको इस चीज को प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, राइट। पीडीएफ अगर अभी तक आपको नहीं मिला है तो पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, आई गेस यहाँ टेलीग्राम चैनल होना चाहिए। ओके, नहीं है, कोई बात नहीं है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्काई हाई इंस्टीट्यूट में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। देखो कंसेप्ट को समझिएगा, पेपर आपका किस पैटर्न में आने वाला है। पेपर का पैटर्न यही रहेगा कि पहला क्वेश्चन जो रहेगा वो इश्यू ऑफ शेयर्स पे रहेगा और ये 10 मार्क्स का रहेगा। दूसरा क्वेश्चन में अंडरराइटिंग रहने का बहुत ज्यादा चांस है 10 मार्क्स के लिए। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 10 मार्क्स बिना ऑप्शन के रहेगा, ये भी नो ऑप्शन रहेगा, ये भी नो ऑप्शन रहेगा, इसमें ऑप्शन रह सकता है, रहेगा, इसे आप दे सकता है। चौथा क्वेश्चन जो आपको दिख सकता है वो है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इसमें भी ऑप्शन रहेगा, बाईबैक के साथ रहता है तो ऑप्शंस रहेगा। और पांचवा क्वेश्चन जो रहेगा वो है आपका वैल्यूएशन। ये सारे क्वेश्चन 10-10 मार्क्स के लिए आएंगे और इसमें भी ऑप्शन रहेगा। ये सेक्शन ए की बात। सेक्शन बी में आपका पहला क्वेश्चन फाइनल अकाउंट रहना चाहिए जो बिना ऑप्शंस के रहेगा 15 मार्क्स, और दूसरा क्वेश्चन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और अमलगमेशन के ऊपर में ऑप्शन रहेगा 15 मार्क्स। तो हम फाइनल अकाउंट करेंगे, इंटरनल करेंगे, इशू करेंगे, अंडरराइटिंग करेंगे, रिडेम्पशन करेंगे, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस करेंगे, वैल्यूएशन करेंगे, आपका 80 मार्क्स हमारा यहां कवर हो जाएगा। यस, ओके, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। चलिए अब कुछ बच्चों को बाईबैक चाहिए तो बाईबैक हम दिए नहीं है, देखता हूं अगर टाइम मिलता तो मैं बाईबैक का दे दूंगा, ठीक है। देखो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में एक डिस्प्यूट है, पहले ही मैं बताता हूं पहले ही डिस्प्यूट है। क्या डिस्प्यूट है? कई ऑथर्स अपने अपने हिसाब से कैपिटल इंप्लॉयड निकालते, कई ऑथर अपने अपने हिसाब से एवरेज ट्रेडिंग प्रॉफिट निकालते हैं और हर एक कंसेप्ट को एक्सेप्टेबल माना गया है, राइट। तो एक्सेप्टेबल है कहने का मतलब क्यों डिस्प्यूट है, कुछ टीचर ऐसे करते कि कैपिटल इंप्लॉयड नॉर्मल कैलकुलेशन जो होता है शेयर होल्डर्स फंड का फॉर्मूला प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटी यूज करके निकाल देते हैं। कुछ ऑथर ऐसे करते कि जो भी कैपिटल इंप्लॉयड निकलेगा उसमें ट्रेडिंग प्रॉफिट का एवरेज को भी प्लस माइनस कर प्लस करके अपना एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड निकालते हैं, वो भी एक तरीका है, बट कोई इशू नहीं है, आप ज्यादा दिमाग मत लगाइए। तीसरा जो डिस्प्यूट आपके सामने अराइज होता है वो ट्रेडिंग प्रॉफिट में कि डिबेंचर इंटरेस्ट को एडबैक क्यों करें। सर डिबेंचर इंटरेस्ट को इसलिए एडबैक करते क्योंकि डिबेंचर इंटरेस्ट इज नॉट योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, पहली बात। तो सर हम उसको माइनस क्यों करते? हम उसको माइनस इसलिए करते क्योंकि हमको उसका टैक्स बेनिफिट लेना रहता है, राइट। तो ये स्टोरी है इसका, इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा,
कभी भी गुडविल निकालने के लिए पहले आपको कुछ फॉर्मूला समझना पड़ेगा कि गुडविल निकालने के लिए अपने पास तीन तरीका है। चलिए मैं बोर्ड पे चलता हूं बिना टाइम वेस्ट किए। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में तीन चार फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। पहला है एवरेज प्रॉफिट, दूसरा है सुपर प्रॉफिट, तीसरा है कैपिटलाइजेशन और चौथा है एन्यूटी मेथड। राइट, चार फॉर्मूला का इस्तेमाल होता है। एवरेज प्रॉफिट बहुत सिंपल फॉर्मूला है सर। एवरेज प्रॉफिट के अंदर में दो कंसेप्ट चलता है, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। राइट, कौन सा बेटा? सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। नाउ सिंपल एवरेज करता है, कहता है भैया सम ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स। वेटेड एवरेज कहता है कि नहीं भैया, सम ऑफ प्रॉफिट इंटू रेस्पेक्टिव वेट, मतलब प्रॉफिट इंटू वेट को पहले मल्टीप्लाई करो फिर सम करो डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट। वेट अगर पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेट अगर नहीं पता है तो 1, 2, 3, 4 ऐसे करके लेना है। मतलब लास्ट ईयर जो करंट ईयर रहेगा उसको हाईएस्ट प्रॉफिट देंगे। मान लो 3 साल का प्रॉफिट है, ठीक है, मान लो 21, 20 और 19, 3 साल का प्रॉफिट है तो इसको हम हाईएस्ट वेट देंगे क्योंकि 3 साल है, इसको 2 और इसको 1। ये ऐसा लॉजिक इसलिए लगता है बिकॉज ऑफ द इंपॉर्टेंस। राइट, ओके। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट, चाहे वो सिंपल एवरेज हो चाहे वो वेटेड एवरेज हो, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। दिस इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। सर व्हाट इज नॉर्मल प्रॉफिट? तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल इंप्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, कैपिटल इंप्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नाउ व्हाट इज सर कैपिटल इंप्लॉयड? कैपिटल इंप्लॉयड निकालने का दो तरीका है, एक है एसेट अप्रोच और एक है लाइबिलिटी अप्रोच। एसेट अप्रोच कहता है नॉन करेंट एसेट प्लस करेंट एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी अप्रोच कहता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रिफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटी। सर इन चारों इन तीनों को हम शेयर होल्डर फंड भी कहते हैं। शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस इज ऑल्सो नोन एज शेयर होल्डर फंड। इसको थोड़ा डायग्राम वाइज पिक्टोरियल वाइज मैं समझाता हूं। ये देखो, मान लो ऐसे हमारा बैलेंस शीट है जो हम लोग बचपन से टी फॉर्मेट पढ़े, मैं वैसे ही समझा रहा हूं। दिस इज योर नॉन करेंट एसेट, दिस इज योर करेंट एसेट, दिस इज योर शेयर कैपिटल, दिस इज योर रिजर्व एंड सरप्लस, दिस इज योर नॉन करेंट लाइबिलिटी एंड दिस इज योर करेंट लाइबिलिटी। राइट, तो देखो बेटा समझने की कोशिश करो, जब मैं शेयर होल्डर फंड कहता हूं तो ये है शेयर होल्डर फंड, जब मैं कैपिटल इंप्लॉयड कहता हूं तो ये है मेरा कैपिटल इंप्लॉयड। राइट, अब ये अगर इधर से जाए, इधर से मतलब लाइबिलिटी अप्रोच जाए तो दिस प्लस दिस प्लस दिस आ गया पक्का। अगर एसेट का रास्ता पकड़ेंगे तो दिस प्लस दिस माइनस दिस आ जाएगा बेटा। अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैपिटल इंप्लॉयड। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जनरली दिया रहता है, अगर नहीं दिया है कभी कभी नहीं भी देता है तो 1/P रेशियो देगा। क्या देगा बेटा? प्राइस अर्निंग रेशियो देगा। तो जो भी प्राइस अर्निंग रेशियो रहेगा उसको 1 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा इनटू 100, परसेंटेज में करने के लिए इनटू 100। मान लो आपको कहता है कि भैया पी रेशियो 8 है, क्या है बेटा 8 है, तो क्या करोगे बेटा 1/8 इनटू 100 दैट इज 12.5%। अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? तो दिस इज द स्टोरी। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड बहुत इजी है, इसके अंदर दो फॉर्मूला लगता है, एक कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और एक लगता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। राइट, नाउ सुपर प्रॉफिट कहता है भाई साहब, सुपर प्रॉफिट जो हम यहां निकालेंगे डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो मुझे यहां पता है या निकालना पड़ेगा इनटू 100। ठीक है,
सर ये परसेंटेज को हटाने के लिए 100 कर रहे, आप बच्चों को मैंने देखा यहां परसेंटेज भी लिखता फिर 100, अरे नहीं रे गधा, परसेंटेज हटाने के लिए 100 मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट कहता है एवरेज प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100 माइनस कैपिटल इंप्लॉयड। ठीक है, सुपर प्रॉफिट के केस में कैपिटल इंप्लॉयड माइनस नहीं होता है। क्यों नहीं होता, रीजन है इसका, क्योंकि जब आप सुपर प्रॉफिट निकालते तो आप ऑलरेडी कैपिटल इंप्लॉयड का परसेंटेज निकाल लेते हो, तो वापस तो नहीं होगा, लेकिन इस फॉर्मूला में कैपिटल इंप्लॉयड का कोई जगह पर यूज नहीं है, इसलिए टोटल से कैपिटल इंप्लॉयड हम माइनस कर देते हैं। राइट, कोई दिक्कत? एन्यूटी मेथड बहुत सिंपल है, जो भी एन्यूटी ऑफ सुपर प्रॉफिट बोले चाहे एवरेज प्रॉफिट बोले, जो भी प्रॉफिट बोलेगा इनटू एन्यूटी रेट दिया रहता है, इस लेवल पे एन्यूटी रेट आपको दिया रहेगा, या एन्यूटी वैल्यू या एन्यूटी फैक्टर बोलकर दिया रहेगा। ठीक है, आई होप दिस फुल स्टोरी ऑफ द फॉर्मूला कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल। देख लो एक बार अच्छे से, गो थ्रू कर लो, कोई टेंशन की बात नहीं है, आराम से देख लीजिए। चलिए, देख लिया आपने फॉर्मूला, अब हम आगे बढ़ते हैं। इससे क्या है, फॉर्मूला एक बार आपको क्लियर हो जाने पे सम्स बताने में आसानी रहता है। तो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एज ऑन 31 मार्च 2013। इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया हुआ, रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ, डिबेंचर दिया हुआ, डेप्रिसिएशन फंड है, क्रेडिटर्स है, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट इंक्लूड प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट इज 70,000 मोर देन द बुक वैल्यू, एंड द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 इयर्स आफ्टर 40% टैक्स वेयर 75,84 and 1,14,000। फेयर रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड इन दिस टाइप ऑफ बिजनेस इज एस्टिमेटेड एट 10%। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। देखो कितना इजी, एक आपको लगता है एक ही चीज पूछा रहे, नहीं रे, सुपर प्रॉफिट जब तक नहीं, जनरली इनका क्वेश्चन इसी पे रहता है, क्योंकि ये जो होता है इसमें सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला यूज होगा, फिर कैपिटलाइजेशन होगा, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बनता है। ओके, सबसे पहले हम कैपिटल इंप्लॉयड पे बात करते हैं। जब हम कैपिटल इंप्लॉयड कहते हैं तो कैसे लिखेंगे देखना बेटा, कैपिटल इंप्लॉयड, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल इंप्लॉयड लिखिएगा। राइट, क्या क्या आएगा बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल 5,00,000, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2,00,000, रिजर्व एंड सरप्लस। Now, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर में कुछ पॉइंट्स है, क्या क्या पॉइंट्स है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ध्यान दीजिएगा। बोलता है कि एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट इंक्लूड द प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, फिक्टीशियस एसेट्स, बोगस एसेट्स, बहुत सारे नाम से ये जाने जाते हैं। तो नया रूल ये कहता है कि अगर एसेट साइड का जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होता है उसको रिजर्व एंड सरप्लस से माइनस कर, पहले हम लोग उसको एसेट साइड में दिखाते थे, अब वो चीज रिजर्व एंड सरप्लस से सब्सट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो हम उसको फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलकर, कितना रुपया बेटा 20,000 रुपीज। ओके, नाउ पहला पॉइंट क्लियर हो गया। नाउ तो जो भी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होगा, फिक्टीशियस एसेट होगा, वो रिजर्व एंड सरप्लस से माइनस होगा, पक्का पक्का। आगे, मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट इज 70,000 मोर। नाउ ध्यान से समझिएगा, this is your liability, this is your asset, right? This is your liability, this is your asset. If your asset has increased, you have to parallelly change your liability, right or wrong? अगर आपका asset बढ़ रहा है तो भैया balance sheet तो टेढ़ा नहीं होगा ना, balance sheet तो सीधा रहेगा।
तो इसका सेकेंड इफेक्ट होता है रीवैल्यूएशन रिजर्व बोलकर। क्या बोलकर बेटा? रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, रीवैल्यूएशन रिजर्व, कुछ भी बोलो। तो अगर इंक्रीज हुआ तो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट है, तो हम अपने रिजर्व एंड सरप्लस में भी प्रॉफिट जोड़ देंगे, बराबर हो जाएगा पक्का। अगर रीवैल्यूएशन लॉस हुआ है तो एसेट गिरा, तुम भी अपने रिजर्व से माइनस कर देने का। मतलब नेट सेल में ये रीवैल्यूएशन प्रॉफिट रिजर्व एंड सरप्लस में प्लस होगा, रीवैल्यूएशन लॉस रिजर्व एंड सरप्लस से माइनस होगा। यहां पे क्या हुआ? मोर है, तो मोर है मतलब प्रॉफिट है, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। कितना रुपया नहीं मिला बच्चा? 70,000, 70 140, 120, राइट सर। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब आइए डिबेंचर, 9% डिबेंचर, कितना रुपया बेटा? 1,00,000 टोटल मारो, 5, 2, 7, 1, 8 और 1, 9, 9,20,000। दिस इज योर कैपिटल इंप्लॉयड, ठीक है बेटा। तुम परेशान मत हो इस एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड के पीछे, मत परेशान हो, मैं जो बोल रहा हूं मानो, ठीक है बेटा? यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब हम बात करेंगे प्रॉफिट का। जैसे ही मेरा ये निकल जाएगा कैपिटल इंप्लॉयड, फिर आप निकालेंगे प्रॉफिट। आप चाहो तो पहले प्रॉफिट निकाल दो फिर कैपिटल इंप्लॉयड निकालो, योर चॉइस, ठीक है। बट मैं कहता हूं पहले कैपिटल इंप्लॉयड निकालना, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम प्रॉफिट निकालेंगे और कैसे करेंगे वो दिखाएंगे जल्दी से। डन, आगे। अब हम लोग कैपिटल इंप्लॉयड याद रहेगा 9,20,000 है, अब हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान देना, यहां पे जो प्रॉफिट दिया वो आफ्टर टैक्स दिया हुआ। क्या दिया हुआ बेटा? आफ्टर टैक्स, राइट। हमेशा अपने को अगर आफ्टर टैक्स दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर बिफोर टैक्स दिया है तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। मतलब बताऊंगा, देखो होता क्या है बेटा, लॉजिक समझिएगा। प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसमें से अगर डेप्रिसिएशन है तो माइनस होगा, फिर आएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसमें से फिर इंटरेस्ट माइनस होगा तो आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें से टैक्स माइनस होगा तो फिर आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और फिर इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इंटरेस्ट वापस से एड बैक हो जाएगा। क्लियर है मेरा बात? कोई दिक्कत? क्या मेरी बात समझ में आई मैं क्या कह रहा हूं? अब इसके अंदर में चाहे सिंपल एवरेज हो चाहे वेटेड एवरेज हो, वो सॉल्व हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि यहां पे वेटेड एवरेज है तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहां पे जो प्रॉफिट है वो आफ्टर टैक्स है 75,000, 84,000 एंड 1,14,000, ठीक है। अब इसमें बट ऑब्वियस है कि सर इंटरेस्ट माइनस हो चुका है, लेकिन हमें बाद में इंटरेस्ट तो प्लस करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई भी, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, कोई भी अगर नॉन रेकरिंग एक्सपेंस या नॉन रेकरिंग इनकम है तो पहले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से आप प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पे जाएंगे या प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे चले जाएंगे और फिर उस नॉन रेकरिंग आइटम्स का एडजस्टमेंट करने के बाद टैक्स लगाएंगे। होप इट इज क्लियर। रिपीटिंग द पॉइंट, इफ द क्वेश्चन स्टेट्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्लीज चेक इज देयर एनी नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस, इज देयर एनी नॉन रेकरिंग इनकम। अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, है तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे जाएंगे। कैसे जाएंगे सर? कुछ नहीं करने करे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय 100 माइनस टैक्स इनटू 100, फॉर्मूला का देंगे, मतलब 40% है ना,
तो 100 माइनस 40 दैट इज 60 इनटू 100, पक्का पक्का कहां पहुंच जाओगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे। उसमें अगर कोई भी नॉन रेकरिंग एक्सपेंस है या नॉन रेकरिंग इनकम है उसको हटा दो, नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस को ऐड कर देंगे, नॉन रेकरिंग इनकम को माइनस कर देंगे, पक्का बात। उसके बाद टैक्स लगाएंगे, वो आपको हो सकता है आगे के सम्स में दिखेगा ही दिखेगा, पक्का पक्का। चलो अब आइए, तो तीन साल का प्रॉफिट दिया हुआ 75, 84, 114, हम सीधा सीधी प्रॉफिट का एवरेज कर देंगे। लेकिन एवरेज करने से प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम है भाई, बोलो तो क्यों प्रॉब्लम है? सर क्योंकि यहां पे जो एवरेज दिया वो वेटेड एवरेज दिया हुआ, क्या दिया हुआ बेटा, वेटेड एवरेज दिया हुआ, इसीलिए हम नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिंपल एवरेज का फॉर्मूला नहीं लगा के वेटेड एवरेज निकालना होगा। ठीक है सर, क्या बोल रहे सर, सिंपल वेटेड समझाता हूं। देखो बेटा ट्रिक समझाता हूं, अगर सिंपल एवरेज होता चुपचाप तीनों का एवरेज निकालते और उसको लिख देते एक बार, वेटेड एवरेज है, सबका वेट्स अलग है, इंपॉर्टेंस अलग है, हमको अलग अलग दिखाना पड़ेगा। तो तीन साल, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, एक लाख 14,000, 84 और 75, ठीक है, ये मतलब लास्ट से चालू कर रहे हैं। वेट है इसका 3, 2, 1, तो ये कितना हो जाएगा 300 और 14 42, 342, ये कितना हो जाएगा 84 into 2 168, और 75 into 1 75, आ गया। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आया, या आप डायरेक्ट ऐसे वेटेड एवरेज प्रॉफिट लिखकर भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, 1,14,000 × 3 प्लस 84 × 2 + 75 × 1 डिवाइडेड बाई दिस 342 प्लस 168 प्लस 75 अपॉन 321 दैट इज 6, कितना आया देख लो, 340 और 160 हो गया 500 510, 585/6, राइट। अब 585/6 कितना हुआ, 54 से गया 9 टाइम्स, 45 यानी 42 से गया 7 टाइम्स और 5 3 तो 97,500, दिस इज योर वेटेड एवरेज प्रॉफिट, राइट, पक्का बात। अब उसमें से हम डिबेंचर का जो इंटरेस्ट है वो ऐड कर देंगे, तो ऐड डिबेंचर इंटरेस्ट कितना है, 1,00,000 का 9% 9,000, इसका आफ्टर टैक्स लेंगे तो 100 - 40% दैट इज 60%, कितना आएगा 5,400, कितना आया बेटा 900, 7, 5, 12 और 9, 1,02,900, दिस इज योर एवरेज प्रॉफिट, एवरेज ट्रेडिंग प्रॉफिट, पक्का पक्का ट्रेडिंग प्रॉफिट, क्योंकि डिबेंचर इज नॉट योर ट्रेडिंग एक्सपेंसेस, अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट, इसीलिए इस डिबेंचर इंटरेस्ट को एड बैक करके क्या बोले, एवरेज ट्रेडिंग प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा इसमें भी एक डिस्प्यूट है, कुछ कुछ टीचर पूरा करता है, तो दैट्स ऑल अबाउट द मेथड, ट्रेडिशनल मेथड, लिवरेज मेथड, कोई इशू नहीं, आप यू यूज दिस, नो प्रॉब्लम, राइट। हम लोग पेपर चेक करते हैं, हमें पता है सिस्टम क्या है, ओके। तो कितना आ गया बेटा 1,02,900, दिस इज योर एवरेज प्रॉफिट। अब जल्दी से देख लो एक बार, आप चाहो तो ये बंद बनाओ, इसका कोई जरूरत नहीं है सम्स के अंदर में, आप सीधा एवरेज प्रॉफिट में फॉर्मूला लिख कर दिखाना, 342 कैसे आया, 168 कैसे आया, वो ब्रैकेट में ब्रैकेट ब्रैकेट करके दिखा देना, कोई इशू नहीं है, ठीक है, आ जाओ। तो कितना आया बेटा 102,900, 102। अब क्या करेंगे देखो, सॉरी क्या था बेटा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल या कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल कैसे दिखाएंगे देखना, एवरेज ट्रेडिंग प्रॉफिट कितना आया था 1,02,900 लेस सुपर प्रॉफिट, सॉरी लेस नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था बेटा, कैपिटल इंप्लॉयड कितना था 9,20,000 इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दैट इज 10%, कितना आया बेटा 92,000,
माइनस कर दो 900 0 10, ठीक। दिस इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। अब गुडविल इज इक्वल टू, फॉर्मूला दिखाएंगे आप, बिना फॉर्मूला के आप सम्स नहीं करेंगे, सुपर प्रॉफिट बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। तो 1,02,900 डिवाइडेड बाय 10% इनटू 100, दैट इज 9,00, 1,02,900, दिस इज योर वैल्यू ऑफ गुडविल। आई होप दिस इज क्लियर। बहुत इजी कंसेप्ट है, ज्यादा प्रेशर मत लीजिए, बहुत इजीली सम्स हो जाएगा। डोंट फोकस ऑन द सम्स कि सर सम्स मैच नहीं कर रहा है, मत करे ना मेरा बाप, क्या दिक्कत है रे, मैं बोल दिया सही है तो सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते बेटा, मूविंग टू द नेक्स्ट सम्स। नंबर टू, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ अ कंपनी असर्टेन द वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर द फॉलोइंग मेथड्स, 3-year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, एन्यूटी मेथड, और तीनों मेथड का यहां पे इस्तेमाल हुआ। इस क्वेश्चन का फायदा यह है कि आपको एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड दिया हुआ है, इससे आपको आगे मेहनत कम करना है। नेट ट्रेडिंग प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द पास्ट 3 years इज दिस, द प्रॉफिट इंक्लूडेड नॉन रेकरिंग प्रॉफिट ऑन एवरेज बेसिस ऑफ 2000, आउट ऑफ विच इट वॉज कंसिडर्ड एट इवन नॉन रेकरिंग प्रॉफिट हैड अ टेंडेंसी टू बी रेकरिंग एट एन एवरेज ऑफ रेट ऑफ 1200 पर ईयर। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, इस क्वेश्चन का अच्छाई ये है कि इसमें टैक्स का झमेला नहीं है, इसका झमेला नहीं है बेटा टैक्स का। जब टैक्स का झमेला नहीं तो काम करने का, मेहनत करने का नहीं, मतलब सीधा सीधी एवरेज निकालने का, एवरेज निकालने का बेटा। तो एवरेज कितना निकलेगा बेटा, आइए दिखाते हैं। दो लाख 15,200 प्लस 181,400 प्लस 2,25,000 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि कुछ बोला नहीं है तो नॉर्मल क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट 2,07,200। अब मैंने कहा था कि अगर एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहेगा तो उसको पहले बिफोर टैक्स करेंगे, कब, जब इस तरह का नॉन रेकरिंग इनकम या नॉन रेकरिंग एक्सपेंस का बात बोलेगा, और अगर बिफोर है तो कुछ करने का जरूरत नहीं है, नॉर्मल हम एडजस्टमेंट करके फिर टैक्स लगाएंगे। पर इस क्वेश्चन का अच्छा यह है कि इस क्वेश्चन में टैक्स है ही नहीं, राइट, तो झमेला करने का नहीं। अब ये देखो, नॉन रेकरिंग इनकम है 1200, जिसमें रेकरिंग होने का कैपेसिटी कितने का है, टू बी रेकरिंग एट एन एवरेज, तो 2000 नॉन रेकरिंग, 1200 रेकरिंग, तो बचा कितना 800। दिस 800 इज योर व्हाट, नॉन रेकरिंग इनकम, और इस नॉन रेकरिंग इनकम को हम माइनस कर देंगे, कितना बचा बेटा 2,06,400, राइट, पक्का पक्का। और इस प्रॉफिट को कहेंगे एवरेज ट्रेडिंग प्रॉफिट, बिकॉज थिंग्स विच आर नॉन रेकरिंग आर नॉन ट्रेडिंग, आई रिपीट, द थिंग्स विच आर नॉन रेकरिंग इन नेचर आर नॉन ट्रेडिंग इन नेचर, ठीक है। तो कितना आ गया प्रॉफिट बेटा, 2,06,400 रुपया। अब सुपर प्रॉफिट क्या करना है बेटा, सुपर प्रॉफिट निकालना है तो नॉर्मल प्रॉफिट तो निकालना पड़ेगा, लेस नॉर्मल प्रॉफिट, क्या फॉर्मूला था, कैपिटल इंप्लॉयड कितना है बेटा 14,00,000 इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब देखो इस क्वेश्चन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न नहीं दिया हुआ है, लेकिन मार्केट रेट रिटर्न दिया हुआ है और रेट ऑफ रिस्क रिटर्न, यानी दोनों रिटर्न को ऐड कर देना, यही तुम्हारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। तो कितना हो गया बेटा 1,40,000, सुपर प्रॉफिट निकाल लो 66,400, दिस इज योर सुपर प्रॉफिट, क्लियर। अब तो भैया कुछ नहीं है, समझ गया, पहला क्या है 3 years परचेस, तो 3 into 66,400 निकाल लिया, आंसर आ गया। कैपिटलाइजेशन मेथड,
तो सुपर प्रॉफिट आया 66,400 डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन 200, 6,64,000, ये भी आ गया। ठीक है, तीसरा एन्यूटी मेथड। तो यहां पे मैंने कहा था कि आपको एन्यूटी के साथ बोलेगा कौन सा सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट 66,400 इनटू एन्यूटी का वैल्यू कितना दिया हुआ, 2.49। तो 2.49 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा वही तुम्हारा आंसर है। बहुत ही सिंपल सम्स, जनरल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑनर्स के लिए देख सकते हैं, हो सकता है वेटेज कम कर दे। राइट, क्लियर, ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट सम्स। ओके, सो मूविंग टू द थर्ड सम्स। राइट, तो थर्ड सम्स क्या कहता है तो ध्यान दीजिएगा, और ये सम्स थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इस बार ऑनर्स के लिए। क्या कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैपिटल एंड लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी एज पर इट्स बैलेंस शीट एज ऑन 31/3 इंक्लूड द फॉलोइंग। तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, कौन सा डेट पे बेटा, 31 मार्च। शेयर होल्डर्स फंड है, डिबेंचर्स है, आगे क्या बोला कि प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग 40% इनकम टैक्स फॉर द लास्ट 3 ईयर्स वेयर 13-14 को इतना, 14-15 को इतना, 15-16 को इतना। इट वॉज फाउंड दैट इन 13-14 द कंपनी परचेस्ड अ मशीन एट 50,000 एंड चार्ज द सेम अगेंस्ट इट्स प्रॉफिट। द कंपनी चार्जेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 20% ऑन WDV ऑफ सच मशीनरी एंड द डिबेंचर्स वर इशूड प्रायर टू 13-14। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई साहब आपने एक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इसमें आ गया। क्या एरर आया है कि आपने एक मशीनरी को गलती से PL का हिस्सा बना लिया। राइट, एक मशीन को खरीदे जिसको आपको मशीन में डालना चाहिए था, बट आपने उसको अपने PL का आइटम बना दिया। अब देखोगे बेटा, मान लो कोई भी आइटम को अगर आप PL का हिस्सा बना दिए तो चीजों को समझना, ये आपका PL है, ये मशीन है, जैसे ही आप इस मशीन को खरीदेंगे ये प्रॉफिट आपका घट जाएगा, हाँ या ना, और जब इसको आप हटाएंगे तो ये प्रॉफिट फिर बढ़ जाएगा। तो क्योंकि ये मशीन जो खरीदे वो आप प्रॉफिट में डाल दिए जो कि गलत था, आप हटाएंगे तो आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मतलब इसके प्रॉफिट का जो पार्ट है, जो सही प्रॉफिट होगा, वो हमको यहां पे डालना पड़ेगा। राइट, अब इसमें एक पॉइंट और है कि सर डेप्रिसिएशन भी तो होगा, हाँ या ना, सर डेप्रिसिएशन तो चार्ज करना होगा। मतलब आप ये कह दो कि सर 50,000 गलत है, हम एडबैक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर जैसे ही आप प्रॉफिट से उसको आप एसेट बनाएंगे, उसके ऊपर 2-3 साल जो भी जितने भी समय है उस पर कुछ डेप्रिसिएशन लगेगा, उस डेप्रिसिएशन का भी तो अफेक्ट करना पड़ेगा। मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि मेरे प्रॉफिट में हमारा मशीन का जो कॉस्ट है, जो प्राइस है, वो ऐड हो जाएगा और अल्टीमेटली डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा। दिस विल इंक्रीज योर प्रॉफिट, दिस विल डिक्रीज योर प्रॉफिट, प्लस एंड माइनस। होप दिस इज क्लियर, राइट और पक्का बात, यस सर। तो हमें यह देखना पड़ेगा कि हमारा मशीन खरीदे कब है सर, हम तो मशीन हम खरीदे हैं 13-14 में, मशीन कब खरीदे बेटा, 13-14 में। राइट, अब जब खरीदे उसका प्राइस क्या था, 50,000, अब उस पर आप डेप्रिसिएशन लगाइए तो कॉस्ट ऑफ मशीन 50,000 लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 20% 10,000, क्योंकि डेट बोला नहीं तो पूरा साल लेंगे, बचा कितना बेटा 40,000। सर ये 40,000 कब बचा, सर ये डेट था 13-14 तो ये डेट हो जाएगा 14-15, फिर आप इस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे एट द रेट 20% तो ये कितना हो जाएगा बेटा 8,000, कितना बचा 32,000, फिर ये डेट कब होगा बेटा 15-16, फिर डेप्रिसिएशन लगेगा कितना 6,400, तो बचा कितना 32 से 6 गया तो 26, 25,600। तो दिस इज योर रिटेन डाउन वैल्यू ऑफ द मशीन, राइट और दिस इज द रिटेन डाउन वैल्यू ऑफ द मशीन। Now, क्यों ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है,
चीजों को समझिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बेटा। ये क्लियर है 25,600 कैसे आया? ओके सर। अब आप देखो क्वेश्चन में ना इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, द कैपिटल एंड लाइबिलिटीज ऑफ कंपनी एज पर इट्स बैलेंस शीट 31 मार्च 2016, उस दिन आपका शेयर होल्डर फंड है 12,50,000। जब मैं शेयर होल्डर फंड कहता हूं तो इसका मतलब होता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। हाँ सर। जब मैं रिजर्व एंड सरप्लस कहता हूं तो उसके अंदर प्रॉफिट भी है। यस सर। मतलब 3 साल से आपने जो गलत प्रॉफिट को इफेक्ट दिया है उसका इफेक्ट तो इसके अंदर भी आया होगा। अभी समझा क्या मेरा बात? तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल इंप्लॉयड के केस में ध्यान दो बेटा, कैसे करेंगे? कैपिटल इंप्लॉयड निकालेंगे, शेयर होल्डर्स फंड कितना है बेटा? 12,50,000। इसमें हम ऐड करेंगे रिटेन डाउन वैल्यू ऑफ मशीन एस ऑन 31/3/16 25,600, और डिबेंचर ऐसे नॉर्मली ऐड होगा क्योंकि वो डिबेंचर जो है वो कैपिटल इंप्लॉयड का पार्ट होता है, 7% डिबेंचर 4,50,000। टोटल मार दो 12, 4, 16, 17, 17,25,600। परफेक्ट सर। आपने तो कहा था कि हमारे प्रॉफिट में से कॉस्ट ऐड होगा और डेप्रिसिएशन माइनस होगा। हाँ सर, हम वही कर रहे हैं। अरे हाँ सर, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन कोई तो WDV बोलते हैं रे। अगर तू ऐसे करता कि कॉस्ट तेरा 50, अभी तक 3 साल का जो डेप्रिसिएशन है वो माइनस करेगा तो अल्टीमेटली यू विल गेट दिस ओनली, पहला साल का 10,000, दूसरे साल का 8,000, तीसरे साल का 6,400, कितना हुआ बेटा 14,400, तो 24,400, तो 50,000 में से 24,400 माइनस कर दे, आ गया 25,600। स्टोरी समझो, इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है फॉर ऑनर्स इस टेक्निकल चीज को, ठीक है? ओके सर। तो हमारा कैपिटल इंप्लॉयड कितना है बेटा? 17,25,600, राइट। अब हमें ये कैलकुलेशन को थोड़ा सा ठीक करना होगा, तो हम बनाएंगे 13, 14, 14, 15 और 15, 16। मैंने कहा है सम्स में पहले भी कि सर अगर किसी चीज पे इंडिविजुअल अफेक्ट होगा तो आपको तीनों साल का अलग अलग बनाना होगा, अगर कोई चीज तीनों साल अफेक्ट करेगा तो एवरेज से काम हो जाएगा, भाई ये सिखाए थे। तो क्वेश्चन में क्योंकि तुम्हें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है, कितना दिया बेटा? 1,56,000, 1,84,000 और 1,76,000। तो अब इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से हम सीधा प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे जाएंगे। फॉर्मूला हम आपको सिखाए थे, पैट डिवाइडेड बाई 100 माइनस टीटी, कितना बेटा? 40 × 100। डायरेक्ट चले जाएंगे, राइट। कैलकुलेशन करते हैं, आइए। तो 1,56,000 / 60, 2,60,000, 1,84,000 / 60, 3,06,667 रुपया, 1,76,000 / 60, 2,93,333 रुपीज प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, राइट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? एक बार चेक कर लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो बताइए। अब जो रेक्टिफिकेशन करना है वो हम करेंगे। सर एक मशीन को परचेस किए हैं, उसको हम यहां से ऐड करेंगे, मशीनरी परचेस कितने का? 50,000, क्योंकि कौन से साल में हुआ था? 13-14 में। उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा लेस, डेप्रिसिएशन पहला साल का 10,000, दूसरे साल का 8,000, तीसरे साल का 6,400। ये था इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर तीनों साल का वैल्यू सेम रहता तो तुम एवरेज से काम कर लेते, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है? अब क्योंकि हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए तो फिर हम ऐड बैक कर देंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, कितने का है? 4,50,000 का 7%,
31,500। अब देखो बेटा इसमें हर साल सेम है ना, हर साल सेम है तो आप चाहो तो एक साथ कर सकते हो, लेकिन क्योंकि हम चार्ट बना रहे हैं तो इसीलिए हम यहां पे दिखा दे ना, मुझे सही लग रहा है। आ जाइए, 260 प्लस 50 प्लस 31,500 माइनस 10, 331,500। 306,667 माइनस 8,000 प्लस 31,500, 330,167। 293,333 माइनस 6,400 प्लस 31,500 गिव्स मी व्हाट, 318,433। नाउ दिस इज योर एक्चुअल प्रॉफिट। अब इसमें से हम टैक्स को माइनस कर दे रहे, कितना परसेंट का टैक्स था बेटा, 40% का टैक्स माइनस कर दो, 331,500 इंटू 40%, 132,600, 330,167 इंटू 40%, 132,067, 7 इसलिए करें क्योंकि 66.8 है, ये 7 को 7 कर देंगे तो अल्टीमेटली 0 हो जाएगा तो प्रॉब्लम कम होगा। 318,433 इंटू 40% गिव्स मी व्हाट, 127,373। माइनस कर देंगे, 198,900 198,100 191,060 rupees। तो दिस इज योर एक्चुअल एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट, ठीक है। अब सम्स खत्म हो गया भाई साहब, अब कुछ नहीं है, बस यही मेथड, इस यही था इस सम्स के अंदर में। अब क्या निकालना है, सिंपल एवरेज है, तीनों को एवरेज निकाल दो, निकल जाएगा। फिर तुमको क्या बोला भैया, गुडविल निकाल ले, निकल जाएगा, फॉर्मूला लगाइए, आंसर आ गया, खत्म, सम्स खत्म। इफ यू गेट द कैपिटल एम्प्लॉयड प्रॉपरली, इफ यू गेट एवरेज प्रॉफिट, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहां पे बोला जो है वैल्यू ऑफ गुडविल निकालना है अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ सिंपल प्रॉफिट, सिंपल एवरेज प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट। चलो मैं कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो मैं एवरेज प्रॉफिट निकाल दूं, यहां पे फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, दिस प्लस दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई थ्री, तुमको पता ही है, 198,100 प्लस 198,900 डिवाइडेड बाई थ्री, 196,020। फॉर्मूला करके दिखा दिया, नाउ गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, यही फॉर्मूला है। तो 196,020 डिवाइडेड बाय ऑन आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या रेट है, 8%, यानी डिवाइड बाय 8 इनटू 100, और जो कैपिटल एम्प्लॉयड आया था, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आया था बेटा, 17,25,600 था, हाँ 17,25,600। सॉल्व करो, ₹7,24,650 इज योर गुडविल, दिस इज योर वैल्यू ऑफ गुडविल, 7,24,650। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सम्स बेटा, प्लीज इस पे फोकस करिएगा, अच्छा सम्स है, ऑनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कुछ नहीं है, आपके जितने भी सवाल है कि सर आप इसको क्यों प्लस किए, एक बार नहीं दो बार किए, बेटा जो प्रॉफिट होता है उसका रेस्पेक्टिव प्रॉफिट पे भी अफेक्ट होगा, और वही प्रॉफिट एक्युमुलेट होकर शेयर होल्डर फंड में अफेक्ट कर जाएगा, है ना, इसीलिए हमको यहां पर चेंजेस करना पड़ा। ओके, आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड 17,25,000,
यस, हमारा सब कुछ सही है, एवरेज प्रॉफिट भी सही है। हाँ, इसमें कुछ है नहीं, नॉन ट्रेडिंग इनकम को माइनस कर देंगे, डिबेंचर इंटरेस्ट को प्लस कर देंगे, ऑन एन एवरेज है, मतलब हर साल में कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्योंकि प्रॉफिट बिफोर टैक्स है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस और माइनस और प्लस करने के बाद टैक्स लगाइए, दैट्स इट, खत्म हो गया। आफ्टर टैक्स होगा तो ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, इजी है, हो गया सब। तो भैया देखो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल खत्म हो गया, राइट। अब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे, राइट। तो यहां तक जो भी आपको करा है, प्लीज जितना मैंने सम्स आपको पीडीएफ में दिया, प्लीज उसको अच्छे से करिए। मैंने आपको तीन सम्स कराया, दो सम्स आपको करने के लिए दिया, क्योंकि सब सम्स तो कराना पॉसिबल है नहीं ना बेटा। तो आप सम्स करिएगा, कोई दिक्कत होगा हमारे स्टूडेंट से आप पूछ लीजिएगा, उनको सारे सम्स क्लास में कराए गए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आइए नेक्स्ट सम्स की तरफ, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। ओके, चलो। तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर देखो, ऐसे तो ऑप्शन में आने वाला है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, अगर कोई बच्चा ठीक से करके जाता है तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर उसका ऐसे भी हो जाएगा, मतलब जरूरत नहीं है करने का, क्योंकि उसको एक ही क्वेश्चन करना है। फिर भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो वैल्यूएशन ऑफ शेयर के ऊपर बेस्ड होकर जा रहे हैं, तो मैं इसका भी दो चार सम्स आपको करवा देता हूं, आप देख लीजिए, और उस बेसिस पे हम लोग फिर नेक्स्ट चैप्टर पे फिर आगे बढ़ेंगे, राइट। सम्स नंबर वन थोड़ा भारी है, तो इसलिए मैं इसको बाद में करूंगा, पहले मैं सम्स नंबर टू पे चलता हूं। क्या कह रहा, देखिएगा। फॉलोइंग पर्टिकुलर्स अवेलेबल इन रिलेशन टू ए लिमिटेड इक्विटी शेयर कैपिटल, रेफरेंस है रिजर्व एंड सरप्लस, डिबेंचर, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, ईबीडीआईटी, डेप्रिसिएशन, इनकम टैक्स रेट, ईपी रेशियो इन द इंडस्ट्री इज 1:8 एंड डिविडेंड यील्ड 16%। ड्यूरिंग द लास्ट ईयर द कंपनी पेड डिविडेंड एट द रेट 20%, 19% एंड 27% रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द मार्केट प्राइस ऑफ ईच इक्विटी शेयर अंडर अर्निंग मेथड एंड अंडर डिविडेंड मेथड। नाउ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड सर, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अर्निंग मेथड, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अर्निंग मेथड। तो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर अंडर अर्निंग मेथड क्या होता है, तो अर्निंग मेथड के हिसाब से फॉर्मूला क्या होगा सर, एक्सपेक्टेड रेट या एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग जो भी बोलो, डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग, राइट, और डिविडेंड पर शेयर का लिए डिविडेंड यील्ड के फॉर्मूला से, डिविडेंड यील्ड के फॉर्मूला से के कंसेप्ट से मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या होगा, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड। सिंपल लॉजिक है बेटा, ध्यान दे बेटा। अगर मैं एक बार यहां दिखाऊं तो कंपनी अपना क्या हिसाब से डिविडेंड पे कर रहा है ये, तो इसका अब देखो लॉजिक क्या है कि मैंने पहले पिछले एक साल 20 दिया, फिर 19 दिया, फिर 27 दिया, तो क्या उम्मीद करते हो कि फोर्थ ईयर में क्या होगा। अब यहां कोई ट्रेंड फॉलो नहीं हो रहा है, तो हम यहां पर कुछ नहीं करेंगे, जब एक्सपेक्टेड नहीं पता रहेगा तो हम एवरेज डिविडेंड कर देंगे या एवरेज कर देंगे तो वही एक्सपेक्टेड हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई है, Why we are doing this? Because there is no such a trend followed. कभी decrease है, कभी increase है. तो इस situation में expected rate will be the average of the last years of dividend. और industry का dividend ratio क्या है बेटा, 16. मतलब normal rate of dividend कितना है, 16%. समझ में आ गया? Okay. अब आइए market price as per the earning model. तो earning model में हमें normal rate of return नहीं दिया, लेकिन सर हमको EP ratio दिया है। अब मैंने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में आपको एक बात बताया था, क्या बताया था कि सर अगर नॉर्मल रेट नहीं दिया ना तो ईपी का कर दे उल्टा आंसर आ जाएगा, ये मैंने आपको कहा था। इसके अलावा आप एक और फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है अर्निंग पर शेयर इनटू ईपी रेशियो, 1:EP ratio, ये भी आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट, ईपी रेशियो इंटू 1:EP ratio, ये भी फॉर्मूला, मतलब वही है भाई साहब, यहीं से ये बनता है, इसके गहराई में मत जाइए, ठीक है। अगर आगे बढ़ते बेटा, तो सबसे पहले तो भैया हमको ईपीएस जानना पड़ेगा, जब तक आपको ईपीएस नहीं मिलेगा तब तक तो आप कोई काम नहीं कर सकते, तो हम ईपीएस निकालने की कोशिश करेंगे, राइट।
आई। तो ईपीएस का फॉर्मूला क्या होगा? अभी क्वेश्चन में देखो, तुमको दिया हुआ अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी तुमको जो क्वेश्चन दिया है वो है अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना बेटा, 274,000। इसमें से हम पहले डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, कितने का है भाई साहब, 50,000 का। कितना आया, 224,000। इसे हम क्या कहेंगे, अर्निंग बिफोर, डी निकल गया तो आई एन टी। अब हम इंटरेस्ट निकालेंगे जो कि डिबेंचर के ऊपर होता है, लेस इंटरेस्ट, 400,000 का 10%, डेट इज 40,000। कितना बचा बेटा, 184,000। ईबीआईटी से आई निकल गया तो अब क्या बचा, ईबीटी, राइट। अब क्या माइनस होगा सर, सबको पता है सर, अब टैक्स माइनस होगा, क्या रेट पे, 30%। तो इसका 30% निकालिए, 184,000 का 30% कितना होगा, 18,54,55,200 शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। फिर भी तुम तो जानते हो, मैं चेक कर लूंगा, अरे एकदम सही थे रे, माइनस करते हैं, बचा कितना, 128,800। ये क्या आया बेटा, अर्निंग आफ्टर टैक्स, राइट। अब अर्निंग आफ्टर टैक्स से प्रिफरेंस का जैसे ही डिविडेंड माइनस करेंगे, क्या डा माइनस करेंगे बेटा, लेस प्रिफरेंस डिविडेंड, 1,000 प्रिफरेंस है 100 रुपया का, तो कितना हो गया भाई साहब, 3, 4, 5, 6, 1,00,000 का प्रिफरेंस, 8% का रेट है तो कितना हो जाएगा बेटा, 8,000। तो प्रिफरेंस डिविडेंड कितना माइनस होगा बेटा, 8,000, बचा कितना, 120,800। दिस इज अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, आई रिपीट, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। कोई कोई स्टूडेंट ई के जगह पी यूज करते हैं, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, मतलब सेम है रे, अर्निंग बोल प्रॉफिट बोल सेम। अब हमको फॉर्मूला के हिसाब से हमको ईपीएस चाहिए, क्या चाहिए बेटा, ईपीएस। तो 120,800 तुम्हारा पूरा का पूरा कमाई बचा है जो इक्विटी शेयर होल्डर में बचेगा। कितने लोग है इक्विटी में, 4,000 लोग है, तो एक आदमी के हिस्से पे कितना रुपया का प्रॉफिट आया, ₹30.20 या 30.2। देख लॉजिक समझ, कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो हम कह रहे थे ना एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग, लॉजिक समझिएगा, ₹100 का शेयर पे वो ₹30 का 30.2 का कमाई कर रहा है, दिस इज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग, जिसको आप 30.2% भी बोल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, राइट। तो डिवाइडेड बाई जो फेस वैल्यू होगा इंटू 100 कर दोगे तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग आ जाएगा। अगर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग निकालना है तो, बट अभी मैंने कहा ईपी रेशियो दिया है, सीधा सीधी मल्टीप्लाई कर लो, तो मार्केट प्राइस क्या होगा, ईपीएस इंटू 1/PE रेशियो, 30.2 इंटू 1/8 है, उल्टा हो जाएगा, 1/8 है तो क्या बन गया, 8, 30.2 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 241.6 रुपीस इज द करेंट मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी, होप इट इज क्लियर, 241.60 इज योर करेंट मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी। ठीक है बेटा, ओके। अब नेक्स्ट क्या बोला बेटा, नेक्स्ट तो बोला है डिविडेंड मॉडल के हिसाब से बताइए, ठीक है। तो बड़ा इजी है बेटा, कुछ नहीं करना, ईपीएस निकल गया ना, ये निकल गया तो डिविडेंड वाला बहुत इजी है,
क्या फॉर्मूला देखिएगा, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड या एवरेज डिविडेंड, कुछ भी बोल दो हम अभी बता रहे थे, डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ ईच शेयर। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड या एवरेज कितना आ रहा है, तो इसका एवरेज क्या होगा, एवरेज इज इक्वल टू 20 प्लस 19 प्लस 27 अपॉन 3, कितना हो गया 7 और 9 66, 22%। नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड 16%, पेड अप वैल्यू 100, सॉल्व कर लो आंसर आ गया, दैट्स इट, खत्म, फ्री का 10 मार्क्स। कैलकुलेट करिए कितना आ रहा है और बताइए, 22 upon 16 into 100, that is 137.50 is your answer of the market price of an equity under dividend model, right? Okay, चल आगे बढ़ते हैं बेटा। तो कहीं ना कहीं हम आपको दोनों फॉर्मूला रिकॉल करा दिए, इस पे एक दो सम्स, एक सम्स और देख लेते हैं, आप परेशान ना होइए। एक बार नंबर 4 देखते हैं। The following particulars of a company are available: equity share दिया हुआ है, preference दिया हुआ, reserve and surplus दिया हुआ, external liabilities के अंदर creditors है, bills payable है, average normal profit after taxation earned each year by the company is 28,500. Assets of the company include one fictitious item of 800. The fair and normal rate of return is respect of the equity shares in this type of company is ascertained at 10%. कैलकुलेट द फेयर वैल्यू। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फेयर वैल्यू, देखो अगर हम लॉजिकली बात करें बिट्टू, समझने की कोशिश करिएगा, थोड़ा सा समझाता हूं कि शेयर्स के वैल्यूएशन का 3 मॉडल चलता है, एक होता है इंट्रिंसिक, एक होता है रिटर्न जिसको हम अर्निंग मॉडल और डिविडेंड मॉडल में डिवाइड होता है, जिसको हम यील्ड मेथड भी बोलते हैं, और तीसरा होता है फेयर, फेयर रिटर्न। देखो बेटा ये तो मैंने आपको समझा दिया, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग इनटू 100, एक्चुअली इनटू पेड अप, ठीक। डिविडेंड मॉडल में एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड या एवरेज डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड इनटू पेड अप, सब बता चुके हूं। सर एक्सपेक्टेड कैसे आएगा, एक्सपेक्टेड के लिए सीधा सीधी ईपीएस डिवाइडेड बाय पेड अप वैल्यू इनटू 100, ठीक है, अगर हम वो पी रेशियो का फॉर्मूला इस्तेमाल ना करें, और अगर इन दोनों से बच के निकलना है तो पी रेशियो का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम, क्या यूज होगा देखिएगा, ईपीएस इंटू 1/PE रेशियो, ये भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ये दो फॉर्मूला से भी होगा या तो ये भी यूज कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ना बेटा। ओके, अब इंट्रिंसिक वैल्यू क्या कहता है, बहुत इजी है बेटा, इंट्रिंसिक वैल्यू कहता है कि हमें पहले अपने इक्विटी के पास एसेट्स क्या है ये पता करना होगा, क्या पता करना होगा सर, इक्विटी के पास एसेट्स क्या हो रहा है, we will not talk about the earning, we will talk about the assets, right? Case ki baat karenge beta, net assets for equity shareholders, this is the concept, kya hai beta, net assets for equity shareholder, ye pata karna hoga. Ab net assets nikalne ke liye hame do approach se ja sakte hain, एक है लाइबिलिटी अप्रोच और एक है एसेट अप्रोच। लाइबिलिटी अप्रोच कहता है सर हमारे पास इक्विटी होता है, हमारे पास प्रिफरेंस होता है, हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस होता है, हाँ या ना, पक्का बात, तो इक्विटी है, प्रिफरेंस है और क्या है बेटा, रिजर्व एंड सरप्लस,
इसमें से आपको यह देखना होगा। अच्छा हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग पढ़े हैं कि रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर में अगर कोई रीवैल्यूएशन प्रॉफिट है तो प्लस, रीवैल्यूएशन लॉस है तो माइनस, बोगस या फिक्टिशियस एसेट है तो कुछ भी तो उसको माइनस, ये सब पढ़ चुके हैं राइट। ये आएगा एसेट्स अवेलेबल टू शेयर होल्डर्स। नाउ आई एम टेलिंग शेयर होल्डर्स, व्हेन आई एम टेलिंग शेयर होल्डर्स दैट मींस इक्विटी प्लस प्रेफरेंस, और इसमें से प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्लेम को माइनस कर देंगे। अब ध्यान देना बेटा, तो आएगा तुम्हारे पास नेट एसेट्स टू इक्विटी शेयर होल्डर। देख लॉजिकल बात करें ना बेटा, मैं तुमको एक बार समझाने की कोशिश करता हूं। लॉजिकली अगर एक बार समझने की कोशिश करोगे बैलेंस शीट से, इक्विटी प्रेफरेंस रिजर्व एंड सरप्लस डिबेंचर करेंट लाइबिलिटी नॉन करेंट एसेट एंड करेंट एसेट, बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। बट नाउ प्लीज फोकस, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस थ्री, we are talking about shareholders fund. So first we will add all these three and then we will eliminate the preference here. Now you can ask me, sir, why you are considering preference if you have to remove it further? पहले लीजिएगा फिर हटाइएगा, ये तो बहुत परेशानी वाली बात है। देखो रीजन है क्योंकि जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के क्लेम होते हैं तो थोड़ा सिचुएशन को समझना पड़ता है इसीलिए, ठीक है। तो इसीलिए जो रूल कहता है उसको फॉलो करेंगे। अब दूसरा अप्रोच है कि ये भैया लाइबिलिटी अप्रोच है, और एसेट अप्रोच क्या कहता है, दिस प्लस दिस माइनस दिस माइनस दिस, हाँ है ना। एंड जैसे ही बेटा आप इसको माइनस किए तो आपके पास तो ये आया, लेकिन आपको चाहिए क्या, ये और ये, फिर आप इसको माइनस कर देंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? एक बार फिर से, दिस प्लस दिस माइनस दिस माइनस दिस, यू विल गेट दिस, हाँ है ना। बट अपने को तो सिर्फ ये और ये चाहिए, सॉरी ये और ये चाहिए था, तो ये निकालना होगा, यानी इसको भी फिर से वापस माइनस कर देंगे, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत। फॉर्मूला को अच्छे से देख लो, अगर आप ये और ये सीख गए तो चैप्टर खत्म, क्योंकि फेयर रिटर्न तो सीधा सीधी इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस यील्ड मेथड का जो भी डिवाइड बाय टू यानी एवरेज करोगे वही होता है। इसीलिए सीयू चाहे तो एक छोटा सा क्वेश्चन पे फेयर रिटर्न पूछ सकता है। फेयर रिटर्न पूछने से फायदा क्या है, उससे आपका इंट्रिंसिक भी चेक कर लेगा, उससे आपका इल्ड भी चेक कर लेगा, इस रीजन से वो दोनों मेथड इंपॉर्टेंट हो जाता है, पक्का बात है। कोई तकलीफ है यहां तक? नहीं सर, थैंक यू सो मच। आइए तो अगर हम यहां पे अपने एसेट बैकिंग मेथड के हिसाब से एसेट बैकिंग मेथड का इस्तेमाल करें, मतलब जो इंट्रेंसिक वैल्यू मेथड है, तो मेरा फॉर्मूला क्या होगा? नेट एसेट निकालना, जो तरीका सिखाए थे, इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 एट रुपीज 10, 1,00,000 एड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,000 इंटू 100 1,00,000 एड रिजर्व एंड सरप्लस कितना 15,000, ठीक, कोई दिक्कत। अब उसमें एक फिक्टिशियस आइटम भी है 800 का, वो माइनस होगा, लेस फिक्टिशियस एसेट्स 800। कोई रिवैल्यूएशन प्रॉफिट अगर है तो वो प्लस होगा, रिवैल्यूएशन लॉस है तो वो माइनस होगा, बट ऐसा कुछ भी यहां पे नहीं है। तो कितना बचा बेटा 14,200, कितना आ गया बेटा 2,14,200, कोई तकलीफ? अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा थामस हड़बड़ हो गया, ये जो 2,14,200 आया है ये क्या है बेटा, ये है एसेट्स अवेलेबल टू शेयर होल्डर्स, इसमें से हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्लेम माइनस करेंगे, और क्लेम में कोई भी डिविडेंड है नहीं, नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे 1,00,000 माइनस कर देंगे। सर क्यों सर, प्रेफरेंस का डिविडेंड तो, अरे बाबा डिविडेंड है, अरियर है क्या, ऐसा बोला बाकी है तो अपने मन से काय को लेने का। कितना बचा बेटा 1,14,200, यही है ना एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी, कितना आया
11.42, दिस इज द वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी. क्या फॉर्मूला बना बेटा? नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर. पक्का आगे आंसर? वेरी गुड सर, जल्दी से देख लो, फिर हम लोग इंट्रिंसिक का इंट्रिंसिक हो गया तो यील्ड मेथड करेंगे. जल्दी से देख लो. ओके चलो बेटा, अब हम लोग ये तो हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे बेटा? अब यहां पे देखो क्या बोल रहा है, द फेयर एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन रिस्पेक्ट ऑफ द इक्विटी ऑफ दिस टाइप ऑफ कंपनी इज सर्टेन एट 10%. तो तुम्हारे दिमाग में आएगा सर यील्ड मेथड में दो कंसेप्ट है, एक है अर्निंग एक है डिविडेंड. सर डिविडेंड का कुछ भी बात नहीं बोला, रिटर्न की बात कर रहा है, रिटर्न मतलब अर्निंग की बात कर रहा है, राइट. तो अब हम क्या करेंगे, हम अपना पहले ईपीएस निकालेंगे. सर ये तुमको क्या दिया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब आपको सीधा दिया पैट 28,500. इसमें से क्या माइनस होगा सर, प्रीफ्रेंस डिविडेंड 12% यानी 12,000. बचा कितना बेटा 16,500. यही क्या है, इटेस है ना. तो ईपीएस कितना आया, ईपीएस इज 16,500 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी दैट इज 10,000. कितना आ गया बेटा 1.65. ये तुम्हारा ईपीएस है. यानी लॉजिक सीधा है, 10 रुपया लगाओगे 1.65 रुपया पाओगे, हाँ या ना, पक्का बात. अब एक बात बता बेटा, एक बुद्धि का बात बताएगा बुद्धि का. सर जब हमको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकालना था तो आप बोले कि 1/P कर देना, बोले थे. तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जब हमको पी निकालना होगा तो 1/ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कर सकते हैं क्या? अरे हाँ सर कर सकते हैं. तो तुमको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया 10, तो पी कितना हो जाएगा 1/10 होगा. तो मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा, ईपीएस इनटू रिवर्स 1/P 1.65 इनटू 10 दैट इज 16 रुपया 50 पैसा. इतना इजी कर दिया सर हमको. सर क्या क्या सिखाए थे, वो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकालो, जरूरत नहीं है. देखो निकालना है तो निकाल लो, 16,500 डिवाइडेड बाई 1,00,000 फिर डिवाइडेड बाई 10% करना बाबा, वही आएगा रे, मैं भरोसा 16.50. अब आपसे क्या पूछा बेटा, पूछा आपसे फेयर वैल्यू. तो फेयर वैल्यू में क्या सिखाए थे, इंट्रिंसिक और उसका एवरेज, दैट इज 11.42 प्लस 16.50 डिवाइडेड बाय 2, राइट. प्लीज कैलकुलेट. दैट इज 13.96. आया क्या, स्टोरी क्लियर हुआ? ओके, आई गेस दिस इज क्लियर टू एवरीवन, राइट. आगे बढ़ते हैं. अब देखो मैं एक बार फिर से कहता हूं एक बात को, कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के अंदर में 2021 का सम्स, मैंने अपने क्लास में अपने बच्चों को कहा है 2021 का सम्स अच्छे से करके जाइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम लोग एक सम्स करेंगे पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग वाले कंसेप्ट पे। ऐसा इसलिए करवा रहा हूं मेरे बच्चों क्योंकि पिछले साल पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग पे क्वेश्चन पूछ दिया था एक ही सम से। आई गेस लगता है रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, गलती हो जाता है, नहीं होगा अलग होगा, कोई बात नहीं। देखो क्या कह रहा है, 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 इंच, 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 इंच, लेकिन 7 पेड अप है। जब भी ऐसा सिचुएशन आ जाए कि फुल्ली पेड अप नहीं हो तो उस सिचुएशन पे हमको नोशनल कॉल निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? नोशनल कॉल। हम मानेंगे कि हमको पैसा मिला, राइट। प्रेफरेंस शेयर है 1,000 × 100, रिजर्व्स है, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है। बिसाइड द अबव एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ टिटको लिमिटेड, द फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन आर गिवन टू यू। वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स टू बी रेज्ड बाय 25,000, वेरी स्टॉक वैल्यू टू बी रेज्ड बाय रिड्यूस्ड बाय 7। तो ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है और ये रिवैल्यूएशन लॉस है। लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस इज येट टू बी रिकॉर्डेड, लाइबिलिटी को रिकॉर्ड कर देंगे, हाँ या ना। तो चलिए सम्स की तरफ मूव करते हैं। चलो तो सबसे पहले अपने को नेट एसेट्स निकालना है। देखो बेटा अभी हम आपको नेट एसेट सिखा चुके हैं, सिखाए हैं कि नहीं सिखाए? नहीं सर, नहीं सिखाए, मारेंगे बेटा, झूठ बोलेगा तो। आइए, नेट एसेट का क्या फॉर्मूला है? सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल दो है, एक है फुल्ली पेड 10,000 × 10 1,00,000, पार्टली पेड 5,000 × 7 35,000, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,00,000, रिजर्व 45, राइट। लेकिन इस रिजर्व के अंदर में एडजस्टमेंट है, अभी बताए, ये रिजर्व के अंदर में एडजस्टमेंट है, उसको देखना पड़ेगा, है ना। क्या क्या है बेटा? रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है कितने का? 25। रिवैल्यूएशन का लॉस है कितने का? 7। और लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंस है कितने का? 6। देखो मैं थोड़ा जल्दी में दिखा रहा हूं, उसे कोई प्रॉब्लम मत ले लेना। 40 से भी 60, 70, 70 से 13 गया तो कितना हो गया? 57,000। सॉल्व करो, 1,00,000, 2,00,000, 2,50,000, 2,80,000, 2,92,000। दिस इज कॉल्ड एसेट्स अवेलेबल टू शेयर होल्डर्स, नॉट इक्विटी, दिस इज शेयर होल्डर्स, राइट। 2,92,000। अब सर आगे क्या करना है? थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस एसेट्स अवेलेबल में से प्रेफरेंस शेयर होल्डर का क्लेम माइनस कर दो, कितने का है बेटा? 1,000 इक्विटी एट रुपीज 100, 1,00,000 रुपया माइनस हो जाएगा। और नोशनल कॉल बोलकर बाहर से दिखाना पड़ेगा। नोशनल कॉल क्या है सर? 10 रुपया में 7 रुपया मिला, तो 5,000 × 3 जो नहीं मिला, अनपेड अमाउंट 15,000, वो ऐड हो जाएगा। तो कितना आ गया? 192 प्लस 15 कितना हो गया? 207, 2,07,000। दिस इज एसेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू डिफरेंशिएट शेयर होल्डर्स एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है बेटा। आगे अब क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्या बोला है? कैलकुलेट द इक्विटी शेयर वैल्यू ऑफ पर इक्विटी एंड प्रेफरेंसेस ऑफ टिटको एंड प्रेफरेंसेस आर नॉन पार्टिसिपेटिंग। मतलब अभी तक जो पढ़ रहे थे ना वो सब नॉन पार्टिसिपेटिंग था, सब के सब। तो नॉन पार्टिसिपेटिंग में नॉर्मल लॉजिक है, मार्केट प्राइस निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा? अब मैं इसको हटा देता हूं, 2,07,000 दिमाग में सेट कर लो, खत्म।
तो मार्केट प्राइस या वैल्यू ऑफ इक्विटी। अब इसमें फिर से दो कैटेगरी का शेयर है, फुल्ली पेड अप। तो फुल्ली पेड अप के लिए क्या होगा, 2,92,000 डिवाइडेड बाई 10,000। और पार्टली पेड अप के लिए क्या होगा, शायद 15,000 होगा ना, टोटल इक्विटी कितना है, 15 ही है तो, हाँ सॉरी 15 होगा ना। यस आई, मुझे समझ आ गया था कि मैंने गलती कर दी यार ये, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इक्विटी तो 15,000 है ना, और पार्टली पेड अप के लिए क्या होगा, 2 लाख जो भी वैल्यू आएगा, पहले इसको सॉल्व करते हैं, 2,92,000 डिवाइडेड बाई 15,000 कितना आ रहा है, 2,92,000 कहां से आया था, सर यार थॉमस सॉरी, एक बार फिर से कितना आया था, 2,07,000 आया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 192 था, 1,00,000 प्लस हुआ था 292 था, 1,00,000 माइनस हुआ था 192, और 15,000 प्लस हुआ था तो 2,07,000 राइट सॉरी। तो मार्केट प्राइस 2,07,000 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी डेट इज 15,000, ये किसके लिए बेटा, फुल्ली पेड अप के लिए। दैट इज 13.80। और जो पार्टली पेड अप होगा ना, इसका कुछ नहीं करना बेटा, क्या करना है, 13.80 रुपए फुल्ली पेड अप है, जो नोशनल कॉल है माइनस कर दो, दैट इज 10.80, दैट्स इट। जो भी नोशनल कॉल का 3 रुपया था उसको माइनस कर दो, यही तुम्हारा पार्टली पेड अप का आएगा, ठीक है। तो हमारे को वैल्यू पर इक्विटी तो मिल गया, अब प्रेफरेंस का क्या होगा, क्योंकि ये पार्टिसिपेटिंग नहीं है, जब वो नॉन पार्टिसिपेटिंग होगा तो प्रेफरेंस का जो शेयर का वैल्यू होगा वो नॉमिनल वैल्यू ही रह जाएगा, दैट इज 100। When it is non-participating in nature, do remember, चलो आगे बढ़ते हैं। अब व्हेन प्रेफरेंस शेयर्स आर पार्टिसिपेटिंग, तो देखो बेटा जब प्रेफरेंस शेयर्स पार्टिसिपेटिंग होगा तो क्या करना, थोड़ा ध्यान देना, पीछे चलिए, हमारे पास नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी टू शेयर होल्डर्स कितना आया था, तो नेट एसेट्स आया था, नेट एसेट्स कितना आया था 2,92,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ याद आ रहा है, नेट एसेट्स कितना आया था 2,92,000, ठीक है। अब ध्यान देना, जब प्रेफरेंस शेयर पार्टिसिपेटिंग होगा, जब प्रेफरेंस शेयर पार्टिसिपेटिंग होगा तो इसके अंदर में इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों बाहर निकलेगा, लेस शेयर कैपिटल। तो इक्विटी कितने का है और प्रेफरेंस कितने का है, तो सर अगर आप देखोगे तो इक्विटी है फुल्ली वाला 1,00,000, पार्टली वाला 35, देखो कॉपी में लिखा हुआ है, और प्रेफरेंस कितने का है 1,00,000, तो शेयर कैपिटल बोलकर कितना माइनस हो जाएगा बेटा, 2,35,000 बचा, कितना ठीक है। सर ये क्या किए, देखो थोड़ा बुद्धि लगाओ, पहले क्या हुआ था, इक्विटी वाले के पास सारा का सारा प्रॉफिट इक्विटी होल्डर्स लेके जाता था, क्योंकि वो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस नहीं थे। अब क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स पार्टिसिपेटिंग है तो इसमें से जो इक्विटी यानी शेयर इक्विटी और प्रेफरेंस बाहर निकला, तो ये जो रिजर्व एंड सरप्लस का प्रॉफिट है, मतलब देखो ना, ये रिजर्व का 45, प्रॉफिट रिवैल्यूएशन का 25 कितना हो गया, 45 और 25 बोलो ना रे बाबा, 40 अभी 70 से 7 गया कितना हो गया 63 से 6 गया कितना हो गया 57, बुझला। अब ये रिजर्व एंड सरप्लस दोनों को जाएगा, इक्विटी को भी और प्रेफरेंस को भी। पहले क्या होता था, रिजर्व एंड सरप्लस सिर्फ कौन लेता था, इक्विटी, इसीलिए वो इक्विटी से जुड़ जाता था। अभी स्टोरी समझ में आ रहा है, ओके। तो कितना आएगा, रेशियो में बांट दो, किस रेशियो में, 3:2,
तो बांटो कितना कितना आ रहा है। फिफ्टी सेवन थाउजेंड इंटू थ्री डिवाइडेड बाई फाइव 34,200। ये इक्विटी के लिए है, यानी ये इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। 57 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2 22,800। ये किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर को मिलेगा। ओके, अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, लास्ट पार्ट है बेटा, खत्म हो जाएगा। फिर से कह रहा हूं, प्रॉफिट निकाले, जो सरप्लस था वो किसमें बटा? इक्विटी और प्रेफरेंस में। किस रेशियो में? 3:2। अब इक्विटी के पास क्या क्या है? इक्विटी शेयर होल्डर फंड के नाम पे क्या क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल है कितने का? 1,00,000 फुल्ली वाला, पार्टली वाला 35 और प्रॉफिट वाला 34,200। हाँ या ना? तो कितना हो गया? 135,169,200। यही होगा। प्रिफरेंस शेयर होल्डर के पास क्या क्या है? प्रिफरेंस शेयर होल्डर फंड क्या है सर? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस जो प्रेफरेंस के पार्टिसिपेशन में है। तो ये कितना था? 1,00,000। और ये कितना आया? 22,800। कितना आ गया? 1,22,800 आया। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर फंड कितना है? 1,22,800। इक्विटी शेयर होल्डर फंड कितना है? 169,200। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या आ जाएगा? दिस डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी, दैट इज 15,000। कर लो। और प्रेफरेंस का क्या आएगा? 1,22,800 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ प्रेफरेंस, दैट इज 1,000। तो मैं निकाल देता हूं, वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस, मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस 1,22,800 डिवाइडेड बाई 1,000, दैट इज 122.80। अब देखो एक बात समझना, थोड़ा बुद्धि लगाओ। लास्ट 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 जब नॉन पार्टिसिपेटिंग था 100 रुपया था, हाँ, प्रेफरेंस के हिस्से में कितना का प्रॉफिट आया? 22,800। कितना लोग को मिलेगा? 1,000 लोग को। तो एक आदमी के हिस्से में कितना आया? 22.80 रुपया। फेस वैल्यू 100, 22.80 रुपया, 122.80। स्टोरी को समझो बेटा, स्टोरी को समझो, राइट। अब इक्विटी का अगर मार्केट वैल्यू निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला लगेगा? 169,200 डिवाइडेड बाई 15,000 डिवाइडेड बाई 15,000 कितना आएगा? 11.28। ये किसके लिए होगा? फुल्ली पेड अप के लिए। और पार्टली पेड अप में 3 रुपया माइनस कर दो तो 8.28 किसके लिए? पार्टली पेड अप के लिए। नोशनल कॉल था ना भाई, हटाएंगे ना। अच्छा, इसमें हम लोग नोशनल कॉल ऐड करना भूल गए थे। इक्विटी शेयर कैपिटल का 1,35,15, इसमें 15,000 का ऐड कर देना और फिर कैलकुलेशन करना, वो ठीक है, मिस हो गया क्योंकि जगह का कमी है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। सो आई गेस पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग बहुत इजी है बेटा, प्लीज एक बार घर पे खुद से ट्राई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं फिर कहता हूं, ठीक है। सो दो टॉपिक हमने कवर कर दिया, नेक्स्ट वीडियो में फिर एक टॉपिक, दो टॉपिक कवर हो जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप लविंग। जितना शेयर करोगे उतना जल्दी जल्दी हम बूम होंगे और उतना जल्दी जल्दी हम वीडियो बनाएंगे, राइट। आपका प्रोसेस स्लो, मेरा प्रोसेस स्लो, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स को सब कुछ मिल चुका है, राइट। ऐसा नहीं है कि मैं आपके साथ भेदभाव कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं आप हमें उतना ही प्यार दो जितना मैं आपको के लिए मेहनत कर रहा हूं। सो लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।